स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, देखिए हिंदी व्याकरण में आज का हमारा विषय है पद परिचय भाग दो। क्या है? पद परिचय भाग दो। तो देखिए पद परिचय के लिए शब्दों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले होता है संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद। जैसे कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद होता है सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा और उसके सारे भेद। ठीक है, इसके बाद आता है विशेषण, तो विशेषण की परिभाषा और विशेषण के सारे भेद। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से लर्न करनी है पद परिचय के लिए। इसके बाद है क्रिया, है ना, क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद। इसके बाद आता है दूसरा, मैंने आपको बताया था, हाँ, इसके बाद आता है काल, काल तीनों काल और तीनों कालों की परिभाषा, है ना, काल आप समझते हैं। इसके बाद है अविकारी शब्द या अव्यय। तो अविकारी शब्द अव्यय के भेद, सबसे पहले क्या है? अव्यय के भेद आएंगे अब इसमें। तो सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके भेद। इसके बाद है संबंध बोधक, संबंध बोधक की विशेषता और उसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। इसके बाद है समुच्च बोधक, समुच्च बोधक की परिभाषा, है ना, और इसके भी भेद होते हैं, दो होते हैं, इसके दोनों भेद हम लर्न करेंगे। सामान्यधिकरण समुच्च बोधक और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्च बोधक। तो इस तरह से दोनों के भेद और इनकी डेफिनेशन हमें याद करनी है। इसके बाद नंबर चार पे आता है विस्मयाद बोधक। अब इसमें विस्मयाद बोधक की डेफिनेशन है ना, और उसमें कौन से में क्या आता है, जैसे आश्चर्य है, विस्मय है, तो उसमें क्या आएगा? अरे, ओह, है, क्या आदि, इस तरह से देख लेना है। इसके बाद है निपात। तो देख निपात क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर वल लगा देते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। जैसे ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि मुख्य निपात हैं। जैसे कि भर है ना, तो भर का क्या है? जैसे हमने शब्द लिया साल, उसके साथ लगाया भर, तो क्या हुआ? साल के अंत में हमने भर जोड़ा तो क्या हुआ? उस पर जोड़ लग गया। इस तरह से ये निपात शब्द होते हैं। अब देखिए, अब है पदों का व्याकरण परिचय। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट रही थी, तो सबसे पहले जब का पद परिचय। जब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, पहुंचने के समय का उल्लेख करने वाला है। दूसरा शब्द है हमारा हम, तो हम क्या है? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, कर्ता कारक, पुल्लिंग, पहुंचने का कर्ता, ठीक है। इसके बाद है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, एकवचन, कर्म कारण और पुल्लिंग है। अब है गाड़ी छूट रही थी, तो देखिए गाड़ी छूट रही थी क्या है? सकर्मक क्रिया है, भूतकाल है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, कृतिवाच्य है, अन्य पुरुष है, कर्ता गाड़ी है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा हमारा उदाहरण है वीरों की सदा जीत होती है। तो वीरों की, सबसे पहले कौन सा शब्द लिया हमने? वीरों की। वीर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है, संबंध शब्द जीत, ठीक है। इसके बाद है सदा, तो सदा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया के काल का बोधक है। इसके बाद आता है जीत, जीत क्या है? भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता का कारक है। इसके बाद आता है शब्द हमारा होती है। तो देखिए होती है में क्या क्या है? अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वर्तमान काल है और कृतिवाच्य है। इसके बाद तीसरा हमारा उदाहरण है इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। तो सबसे पहले किसका परिचय देंगे हम? इसका। तो देखिए इस क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संसार इसमें क्या है? विशेष्य है, ठीक है। इसके बाद है संसार में, क्या शब्द है हमारा? संसार में। तो संसार में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अधिकरण कारक है। इसके बाद आता है हमारा शब्द ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है? भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और इसमें विशेष विशेष विशेषण क्या है? दुर्लभ है। इसके बाद है दुर्लभ, क्या शब्द कहेंगे? दुर्लभ।
गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, विशेष्य क्या है, ईमानदारी है। इसके बाद हमारा चौथा उदाहरण है रामचरितमानस की तुलना, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? तुलसीदास के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले शब्द क्या है हमारा, रामचरितमानस, इसका हमें परिचय देना है। तो सबसे पहले क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्मकारक है। इसके बाद तुलसीदास के द्वारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग करण कारक है, की गई, की गई में क्या है, संयुक्त क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्मवाच तथा अन्य पुरुष है। इसके बाद है चौथा हमारा उदाहरण है बाग में कुछ लोग बैठे थे। तो देखिए सबसे पहले हमने किसका परिचय दिया, वाक का दिया। वाक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अधिकरण कारक है। इसके बाद कुछ, कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और विशेष क्या है, इसमें लोग है। इसके बाद लोग का परिचय हम देते हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। लास्ट में है बैठे थे, बैठे थे क्या है, अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, कृतिवाच्य भूतकाल, कर्ता क्या है, इसमें लोग है। तो देखिए विद्यार्थियों मैंने आपको इन उदाहरणों में सारे शब्दों का परिचय देकर दिखाया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर एक आपको वाक्य दिया होता है, उस वाक्य के किसी भी एक या दो या तीन शब्द पर अंडरलाइन होती है, उस अंडरलाइन वाले शब्द का ही आपको पद परिचय देना होता है। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन से शब्द का परिचय पूछा जाएगा, इसीलिए हमें पूरे वाक्य का ही पद परिचय आना चाहिए, या वाक्य में जितने शब्द आए हुए हैं हमें सबके बारे में अच्छे से पद परिचय की जानकारी होनी चाहिए। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।